नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। बारिश के इस मौसम में पक्षियों को कौन कौन से फल खाने को देने चाहिए? हर फल में जो है एक क्वालिटी होती है, हर फ्रूट्स के अंदर, और उसी हिसाब से जो है बर्ड्स के अंदर फ्रूट्स का जो है चुनाव करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अनार की। अनार के अंदर जो है एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये बर्ड्स की बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज़ करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसलिए इस मौसम में कोशिश कीजिए, क्योंकि बर्ड्स का बारिश की वजह से क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से कई बार स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसे में बर्ड्स को खाने के लिए अनार दीजिए, ताकि बॉडी के जो टॉक्सिन्स है जो उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है ऑटोमेटिक उसको रिलीज़ करने में ये फ्रूट्स जो है काफ़ी हेल्प करते हैं। ये बॉडी के जो सेल डैमेज होते हैं उनको डैमेज होने से बचाते हैं, बर्ड्स के इम्यूनिटी सिस्टम को अंदर से बूस्टअप करते हैं, क्योंकि इस टाइम में इम्यूनिटी काफ़ी डाउन जाती है, उसको हमें बर्ड्स को एक ऐसे फ्रूट्स की भी ज़रूरत होती है जो इस मौसम में उनको इम्यूनिटी को बूस्टअप करके किसी भी इन्फेक्शन की चपेट में आने से उनको बचा सके। अनार के अंदर एक और क्वालिटी होती है, इसमें जो है एंटी कैंसरस यानी कैंसर्स के जो सेल्स होते हैं उनसे फाइट करने में काफ़ी मदद करता है, इसलिए ये बर्ड्स की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी और ज़रूरी होता है। इसमें फाइबर्स की मात्रा अधिक होती है, फाइबर्स की मात्रा अधिक होने से जो है बर्ड्स का डाइजेशन प्रॉपर रहता है। दूसरा, इसमें विटामिन सी भी होता है जो कि बर्ड्स की फेदर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बर्ड्स को सेब भी आप रोज़ाना आप दे सकते हैं। सेब का एक तो सीड्स उसका जो निकाल करके देना चाहिए, दूसरा उसका छिलका उतार के दीजिए। सेब का क्या काम है? बर्ड्स के हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो सेब होता है, एप्पल होता है, सबसे बेस्ट होता है। इसलिए बर्ड्स की डाइट में कुछ हिस्सा सेब का भी रोजाना ऐड जरूर कीजिए। बर्ड्स को खाने में आप संतरा दे सकते हैं। संतरे के अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी के साथ साथ बर्ड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी संतरा जो है काफ़ी मददगार होता है। इसलिए बर्ड्स की डाइट में जब फ्रूट्स की बात आती है तो एक पोर्शन संतरे का भी होना चाहिए। ऑरेंज, कीवी जो है उसमें विटामिन सी ऑरेंज से 7 गुना अधिक होती है। इसलिए यदि जब विटामिन सी की जब हम बात करते हैं तो यदि आप बर्ड्स की डाइट में कीवी देते हो तो उसमें ऑटोमेटिक बर्ड्स की जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है वो इससे कम्प्लीट हो जाती है। कीवीज जो है बर्ड्स की आइस के विज़न के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि बर्ड्स में आइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनका विज़न कम हो गया, दिखना कम हो गया है, तो ऐसे बर्ड्स की डाइट में आप कीवी ऐड करना शुरू कर दीजिए। पपीता जो है बर्ड्स के डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए बर्ड्स को ऑल्टरनेटिव डेज पे हफ्ते में 2 बार कम से कम पपीता जरूर देना चाहिए, ताकि डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको पपीता देने से वो आपकी क्योर हो सके, ठीक हो सके। ब्लूबेरीज़ भी जो है बर्ड्स पसंद करते हैं। ब्लूबेरीज़ में भी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस मौसम के अंदर आप अपने बर्ड्स को ब्लूबेरीज़ भी दे सकते हैं। बनानास बर्ड्स के लिए क्यों ज़रूरी होता है? बर्ड्स को अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है। केले के अंदर जो है पोटेशियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अपनी बर्ड्स की डाइट में कुछ हिस्सा बनाना का, केले का जरूर ऐड कीजिए, ताकि बर्ड्स में जो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिक पूरी हो सके। अंगूर जो है बर्ड्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अंगूर के अंदर विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा क्या है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में जो है अंगूर काफ़ी फायदेमंद होते हैं, तो इसलिए यदि आपके बर्ड्स का प्रेशर यदि ज़्यादा रहता है तो ऑटोमेटिक आप उसकी डाइट में आप ग्रेप्स ऐड करके उसको कम कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी में जो है एक क्वालिटी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी। यदि आपके बर्ड्स में कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, कहीं कोई सूजन आ गई बॉडी में, तो ऑटोमेटिक आप यदि स्ट्रॉबेरी उसको खाने में देते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से जो स्ट्रॉबेरी है उसमें काफ़ी हेल्प करती है। मैंगो भी सीजनल होता है, क्योंकि इसी मौसम में अवेलेबल है। इसमें भी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बर्ड्स के टॉक्सिन्स को रिलीज करने में मदद होता है। एक कोशिश जरूर करें, जिस सीज़न में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है कोशिश कीजिए बर्ड्स को उस फ्रूट्स की थोड़ी थोड़ी मात्रा सीजनल वाइज आप जरूर दीजिए, क्योंकि सीजन के हिसाब से जो फ्रूट्स बने हैं वो बर्ड्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाते हैं। इसलिए सीज़न के अंदर जो भी फल अवेलेबल है उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, बर्ड्स की डाइट में थोड़ा सा हिस्सा उसको जरूर रखें। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बर्ड्स यानी पैराकीट्स की डाइट में जो है फ्रूट्स का क्या महत्व है, और हर फ्रूट्स में क्वालिटी होती है, इसलिए सभी फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन यदि आप कट करके अपने बर्ड्स की डाइट में देते हो तो वो बर्ड्स को हेल्दी रखता है, बर्ड्स का जो लाइफ स्पैन है उसको इंक्रीज करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।